हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खेती की पाठशाला। ये जो आप देख रहे हैं, जो नर्सरी, मैंने एक बार नर्सरी वाला जो मेरा वीडियो आपने देखा था, तो नर्सरी लगभग अब आधा से कम हो चुका है और लगभग जो है 4 एकड़ की रोपाई हो चुकी है। अभी बस 2 एकड़ बाकी है रोपाई करने का। सवाल जो लोगों ने ज्यादा कमेंट में किया कि हम लोग जो प्रेटिला क्लोर रहती है, जैसे कि हम लोग धान की रोपाई करते हैं, तो धान की रोपाई के बाद जो प्रेटिला क्लोर रहती है वो आप किस तरीके से देते हो? मतलब उसका 2-3 तरीका रहता है देने का। एक तो आप स्प्रे करिए टंकी के साथ, दूसरा रहता है कि आप उसको रेती के साथ मिक्स करके उसका मतलब खेत में डाल सकते हैं रोपाई के आफ्टर 3 दिन के अंदर में। हम लोग क्या करते हैं कि रोपाई के समय तो हम लोग सुपर फास्फेट देते हैं और उसके बाद जो 12-32-16 का जो एक कॉम्बिनेशन आता है एनपीके का, तो एनपीके के साथ या फिर डीएपी के साथ, एनपीके या फिर डीएपी के साथ हम लोग मिक्स करके मतलब तीसरे दिन उसकी हम लोग छिड़काव कर देते हैं। उसका जो मुख्य फायदा ये है कि जो हम लोग खाद को डालने के लिए 2 बार जैसे खेत में घुसते थे, तीसरी बार हम लोग प्रेटिला क्लोर के लिए घुसते थे, तो 3 बार हमको जो खेत में घुसना पड़ता था वो अब सिर्फ 2 बार में निपट जाता है। पहले जो है लगभग हम लोग 8-10 साल से रेती का ही यूज करते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे हर तरफ जो खेत है, ऊपर नीचे जो खेत है, तो यहाँ पर रेती को लेके आने में काफी दिक्कत होती थी। और मेन जो घर है हमारा वो काफी दूर है और रोड पॉइंट भी यहाँ पर नहीं है, तो रोड साइड से काफी अंदर होने के चलते हम लोग जो है रेती को लाने में दिक्कत होती थी। हालांकि खाद को भी लाते समय हम लोग ट्रैक्टर में ले आते हैं, ट्रैक्टर जब आती है इसको चिक्खल करने के लिए तो उसमें लोड करके ले आते हैं, तो उसमें भी लाया जा सकता था। लेकिन हमने देखा कि जो डीएपी के साथ अगर हम लोग प्रेटिला क्लोर को मिलाते थे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता था। और रेती में क्या होता था कि एक लिमिटेड मात्रा में हम लोग मिक्स करके देते थे, लेकिन डीएपी जैसे कि आपको पर एकड़ लगभग 50 केजी देना रहता है, डीएपी बोलिए या फिर 12-32-16 का कॉम्बिनेशन वाला बोलिए, तो उसको लगभग पर एकड़ आपको 50 केजी देना है। तो हम लोग 50 केजी में लगभग 300 ml में देता हूँ प्रेटिला क्लोर, और पंजाब साइड तो 500 ml से लेके 1 लीटर तक देते हैं पर एकड़। लेकिन हमने जो है लगभग 10-15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और पहले हम लोग 250 ml देते थे, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने उसको 300 ml का डोज रखा है। 300 ml प्रेटिला क्लोर को जो है मैं डीएपी में उसको मिक्स करके खेत में डाल देता हूँ 3 दिन के बाद। बहुत से किसान भी बोल रहे थे कि डीएपी के साथ करें तो कुछ खराब करेगा क्या, फिर नुकसान करेगा, तो नहीं। मैंने तो फिलहाल 2-3 साल से फिलहाल हम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई विशेष नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे काम करता था प्रेटिला क्लोर वैसे ही काम कर रहा है और घास वगैरह को काफी कंट्रोल कर रहा है। तो मैं तो ये एनपीके या फिर डीएपी के साथ देना काफी अच्छा है रेती के मुकाबले, और बाकी रेती में भी दें तो ठीक ठाक रहता है।